हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विला। यहाँ पर आपको लिटरेचर से रिलेटेड हर स्टफ मिलेगा, एज वो आपको हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट के अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, प्लीज़ गो सब्सक्राइब। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, इट्स अगेन एन पोएम बाय सर एस टी कॉलरेज। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। हमारे पास जो पोएम है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, ये पोएम लिखी गई है सर एस टी कॉलरिज के द्वारा। दिस पोएम इज़ रिटन इन फेबररी 1798। तो ये पोएम जो है हमारे पास है, इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन पोएम। तो जो ये पोएम है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, ये सर ने कंपोज की थी प्रॉबेबली जब वो एक सर्दियों के सर्द रात में बैठे हुए थे और वो इंजॉय कर रहे थे अपनी गर्मी को, जो उनके पास उन्होंने फायर जो जलाई हुई थी उसकी गर्मी को। ही वॉज इंजॉइंग द वार्म्थ नियर द फायर। तो उनके जो बेटे हैं सर के, ही वॉज स्लीपिंग नियर टू हिम इन द क्रैडल। क्रैडल हेयर मीन्स पालना। वो बच्चा उनके पास पालने में सोया था एंड वो डीपली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं काम ऑफ द सराउंडिंग के द्वारा। मतलब उनके आसपास जितनी भी शांति होती है उनसे वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गहराई से यू नो प्रभावित हो जाते हैं। तो वो आगे कहते हैं, जब वी गो ऑन फर्दर रीडिंग इट तो हमको पता चलता है, वो कहते हैं कि वो अपने घर में अकेले थे एंड वो अपने पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में सोच रहे थे। तो जो कॉलरिज हैं वो फील करते हैं चार्म ऑफ द ब्यूटी को एंड साइलेंस ऑफ द नेचर को अपने घर के अंदर एंड बाहर। तो जो साइलेंस है वो इतना ज़्यादा डीप होता है कि बाहर जो हवा भी चल रही थी, विंड भी चल रही थी, वो सीम्स टू बी स्टॉप्ड। वो इतनी शांति थी वहाँ पे कि वैसा लग रहा था कि जो बाहर विंड चल रही है, जो हवा चल रही है, वो भी वहाँ पे बाहर क्या है, रुक चुकी है। सो ऑन फर्दर रीडिंग वी गेट टू नो कि सिर्फ एक लाउड साउंड वहाँ पे सुनाई देती है, वो भी कभी कभी। वो आवाज़ थी हुटिंग ऑफ द यंग आउल, एक छोटे उल्लू के चिल्लाने की आवाज़ हमें कभी कभी वहाँ पे सुनाई देती है। एंड जो लोग थे वो इतना पीसफुली अपने कॉटेजेस में सो रहे थे कि वहाँ पर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट हमें नज़र नहीं आती है। समटाइम्स जो फ्लेम्स होते हैं, जहाँ पे आग जल रही होती है, डाइंग फायर की जो फ्लेम्स होते हैं, वो समटाइम्स वो क्या करते हैं, फ्लटर करते हैं, फड़फड़ाते हैं, जो बिलीव होते हैं, विच इज़ बिलीव्ड कि कोई इंडिकेशन दे रहे हैं किसी विजिटर के आने के। तो जो पोइट है यहाँ पे वो रिमाइंडेड है कि इससे अपने पास्ट स्कूल डेज के, एंड वो सोचता है कि जब वो अपने पास्ट में था, अपने स्कूल डेज में था, तो वो कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इंजॉय करता था। अगेन ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ द चर्च वेल, जो चर्च की घंटियों के आवाज़ को वो रिमाइंड करता है। एंड वो ये सोचता है कि उस वक्त वो इकलौती म्यूजिकल साउंड होती थी गाँव वालों के लिए, चर्च की वेल्स। देन वो रिमाइंड करता है अपने स्ट्रिक्ट टीचर्स को कि वो कैसे अपने स्ट्रिक्ट टीचर्स की वजह से डर कर अपना बिजी हो जाता था अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। जो पोइट है वो यहाँ पे हमें काफ़ी खुश नज़र आते हैं कि जब वो अपने बेटे को सोता हुआ देखते हैं, एंड वो विश करते हैं कि उनका बेटा काश ऐसे ही नेचर की कंपनी में ब्रॉट अप हो, बड़ा हो। एंड दो वो ये सोचते हैं कि वो खुद तो इस नेचर से वंचित रहे हैं, बट ही वॉन्टेड हिज चाइल्ड टू बी ब्रॉट अप नियर, ब्रॉट अप इन द क्लोज कंपनी ऑफ द नेचर। तो वो आगे कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर के वो क्या हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसकी, गॉड की टीचिंग्स को। एंड वो कहते हैं कि थ्रू देम वो लर्न करेंगे क्या, इटर्नल लेसन्स को, एंड उसकी सोल जो है, उसके बच्चे की सोल जो है वो अटेन कर लेगी परफेक्शन को। तो जो हार्डशिप हैं एंड जो प्लेजेंट सीन्स हैं एंड जो सीजनल चेंजेस होते हैं वो उनको ग्रेट लेसन सिखाएंगे उसके बच्चे को, एंड वो उसको कहीं और नहीं बल्कि गॉड के बहुत ही करीब लेके जाएंगे। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ सेड इन दिस पोएम। सो वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ समरी ऑफ फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। इफ़ येस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you. We'll meet soon on another video on another topic. Till then, goodbye. Good.